भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन की फिल्म सनकी दरोगा रिलीज हो गई है। भाई हम सभी आपसे निवेदन करते हैं, अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जाइए और ये फिल्म जरूर 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 देखिए, क्योंकि सोशल मैसेज देती हुई इस भोजपुरी फिल्म को हम तो 5 out of 3.5 रेटिंग देते हैं। मैं आपसे इसलिए फिल्म देखने की अपील नहीं कर रही हूँ कि मैं फिल्म देखकर आई हूँ और आप पे प्रेशर डाल रही हूँ कि आप भी जाइए, और मैं कोई बहुत बड़ी रवि किशन की फैन नहीं हूँ, लेकिन जब भी कोई स्टार अपनी फिल्म द्वारा आपको अपने तरफ आकर्षित करता है फिल्म देखने के लिए, तो इसका मतलब है फिल्म में कुछ न कुछ बात तो है। फिल्म की शुरुआत ही धांसू है, धमाकेदार है। फिल्म में रवि किशन एक कॉप यानी कि एक ऐसे पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं जिसे बलात्कार करने वाले बलात्कारियों से सख्त चिढ़ है और उसे वो सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं, क्योंकि वो बलात्कार मुक्त भारत करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और अपने कैरेक्टर को रवि किशन ने जिया है पर्दे पर, उनका बखूबी साथ दिया है फिल्म की हीरोइन अंजना सिंह ने। फिल्म पूरी तरह से आपको बांधे रखेगी। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि भोजपुरी सिनेमा में बैक टू बैक आपको अच्छी फिल्में देखने को मिल रही है, और साथ ही अच्छा सोशल मैसेज देती हुई फिल्में। संघर्ष जिसने कामयाबी के नए इतिहास गढ़े हैं इसका एक उदाहरण है। फिल्म संघर्ष भी आपको एक सोशल मैसेज देती हुई फिल्म है। फिल्म संघर्ष देखकर अगर आप थिएटर से बाहर आते हैं तो आपके पास अगर बेटी है तो गर्व महसूस करेंगे, और नहीं है तो अफसोस कि काश आपके पास एक बेटी होती। ठीक उसी तरह अगर आप सनकी दरोगा देखकर आएंगे तो आपको बलात्कारियों से चिढ़ हो जाएगी। आप चाहेंगे कि आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा हो तो आप उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाए या पहले से ही जागरूक हो जाए कि ऐसे व्यक्तियों को आपको टॉलरेंट नहीं करना है। सो प्लीज जाइए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, देखिए सनकी दरोगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। We'll be right back.